माशाल्लाह। रॉकी, इसका नाम रॉकी भी है। जाही गोट फार्म पे इसका नाम कुर्बान पड़ा है। ये कोटा मेल है, 1 महीने का बच्चा। बोन स्ट्रक्चर आप इसका देख सकते हो, काफी मत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि ऐसे कनेक्ट और मेरा नाम है खालिद। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ शाबान 2 और कुर्बान की। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हो मुंडा सूजत जो बड़े आराम से लेटा हुआ है, वो है शाबान, मतलब शाबान 1, ये शाबान 2 है। और दूसरा बकरा जो आप देख रहे हो जो खा रहा है ये कुर्बान, इसको तो आपने पहले भी मेरे चैनल पे देखा है। इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। कुर्बान जो है वो जाही गोट फार्म पे पैदा हुआ था। मेरी बकरी जो थी जमजम, उसका बेटा है। और ये जो शाबान आप देख रहे हो मुंडा जो है, ये हमने लिया था पूना गोट फार्म से, जो कि वाघोली में लोकेटेड है, पुणे लोकेशन में। ये दोनों बकरे फ्रेंड्स जो है ये पुणे लोकेशन में हैं, पिंपरी चिंचवाड़ की तरफ। और ये दोनों बकरे फ्रेंड्स हमको सेल करने हैं कुर्बानी के लिए। तो जो भाई भी कुर्बानी वाली पार्टी है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी आपको इनकी डिटेल्ड वीडियो देखने मिलेगी, वेट और दांत के साथ दोनों का देखने मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें और मैं आगे आप लोग को छोटा सा सेटअप दिखाना चाहूँगा जो कि मेरे भाई लोग ने बनाया है। ये इनका एक गाला है, वो गाले में इन्होंने अच्छा एक सेटअप बनाया है। इसमें दो फीडर है, दोनों बकरों के लिए अलग अलग फीडर है। और उसमें साइड में एक और बनाया गया है पानी के लिए। तो उसमें मतलब ऐसा है कि किसी को कोई टेंशन नहीं है। और नीचे जो है वो भूसा बिछाया गया है, भूसा जो है वो टाइम टू टाइम बदला जाता है। कुर्बान जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है और दोनों फ्रेंड्स खस्सी बकरे हैं। ये आप कुर्बान को देख सकते हो, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे फ्रेम में हो गया है। पहले का आप वीडियो की स्टार्टिंग में आपने इसका बचपन का वीडियो देखा होगा, जब वो जस्ट 1 महीने का था और मैंने भेज दिया था। तो ये सेटअप है इनका यहाँ पे, ये आप देख सकते हो माशाल्लाह। इनका फीड उठाने का काफ़ी स्पीड भी अच्छा है। सेल्फ फीडिंग के बकरे हैं फ्रेंड्स दोनों जन। और कुर्बान जो है वो खस्सी है, लेकिन ना बहुत एग्रेशन है उसमें। मेरे हिसाब से अगर आपको एक अंडू बकरा भी लाके खड़ा कर दो तो उसको एटलीस्ट टफ कंपटीशन वो दे देगा। ये बेचारा शाबान जो है थोड़ा उससे डर डर के रहता है। ये काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का है कुर्बान। इसके लिए आप वीडियो में भी देख सकते हो, फीड डाले हैं तो खाली कुर्बान खा रहा है वीडियो में पहले। अब जब कुर्बान का खा के हो जाएगा तब या तब वो शाबान आएगा फीडर में मुंह डाल के खाएगा। तो ये लेवल का वो डोमिनेशन करता है, वो बेचारा कोने में खड़ा है। तो बट ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो ये रहा इनका वेट का वीडियो। अभी शाबान को वेट किया जा रहा है। सो आप देख सकते हो 94-95 kg के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये है इसका फुल फ्रेम शाबान का, सूजत में है फ्रेंड्स। ये बाहर का बकरा था, ये हमने ख़रीदा था पूना गोट फार्म से। पूना गोट फार्म जो है वो वाघोली में लोकेटेड है। काफ़ी अच्छा फार्म है वो भी फ्रेंड्स। जिनको पालना है वो पालने के लिए भी ले सकते हैं और ऑन वेट डिलीवरी वो भी देते हैं। और दो ये सूजत जो है ये 8 दांत पे है फ्रेश, देख लीजिए इसमें दांत का भी डिटेल दिया गया है। सो 8 दांत के बकरे हैं, कंप्लीट पैकेज है फ्रेंड्स। हाइट में ये मेरे ख्याल से हमने नापा तो नहीं है, बट लमसम 40+ ही निकलना चाहिए। 40 नहीं भी तो 40 आप पकड़ अज्यूम कर सकते हो। मेरे हिसाब से 40 के ऊपर ही होगा इसकी हाइट। और फ्रेम में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। वेट और दांत मैंने वो भी वीडियो में आप सबको दिखा दिया। सो अभी जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी आपको कुर्बान की भी वेट की वीडियो देखने मिलेगी। अब बकरे जो है वो लोकेटेड है उधर पूना में। ये पूना के बकरे हैं फ्रेंड्स। मैं हाल फिलहाल में पूना विज़िट किया था, पूना गोट फार्म भी विज़िट किया था मैं। उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगी मेरे चैनल पे, तो चैनल में बने रहना। अभी
ये शाबान का कंप्लीट वीडियो था, अभी जो वीडियो आएगी वो कुर्बान की रहेगी। तो ये है, जैसे कि मैंने कहा, दोनों को एक साथ संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली कुर्बान को। रुको रुको, छोड़ दे, कुर्बान 93 है। अरे बाप, ये क्या है? 93 है, ये 93 है। तो कुर्बान जो है वो 93 केजी पे है, हाइट में तकरीबन ये रहेगा मेरे हिसाब से 39 हाइट में, ये थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू शाबान, बट बोन स्ट्रक्चर और फ्रेम अगर आप देखोगे तो इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टाइट बॉडी का है एकदम। और ये भी फ्रेंड्स 8 दांत पे है फ्रेश। सो एक्चुअली कुर्बान का एक प्रॉब्लम है, ये जो बकरा जिन्होंने पकड़ा है ना, ये उसके केयर टेकर है, और कुर्बान जो है ना मोस्टली कंट्रोल में इनके ही साथ रहता है, इनके साथ ज़्यादा बोल सकते हो ट्रेंड है वो, बकरा काफ़ी टेम्ड है इनके साथ, और केयर टेक मतलब कोई अननोन आता है तो अननोन को वो एग्रेशन दिखाता है और मारता भी है, ये केयर टेकर के साथ ही अच्छे से खड़ा रहता है। बट स्टिल आप देख सकते हो वीडियो में कितनी मस्ती कर रहा है वो, और ठीक से संभलता नहीं है। सो फ्रेंड्स ये दोनों बकरे जो है वो सेल करने हैं, बट ये है कि ये फ्रेंड्स किलो के भाव नहीं रहेंगे, ये नग के भाव रहेंगे। वेट के दांत आपने सब देख चुका है, कंप्लीट डिटेल मैंने दिया है, तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी शौकीन होगा वही कांटेक्ट करे, क्योंकि ये नग वाले बकरे हैं, किलो वाले बकरे नहीं हैं फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।